Hello guys, chapter 1047, how was the chapter? It was fine, अपना opinion पूरा देता है मैं, उससे पहले intro पे vibe कर लो, let's begin. अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में चोदुनुस के और उसके 20 साल पुराने पास्ट के बारे में दिखाया गया है, जिसके बारे में उनको बिल्कुल बात नहीं करना. भाई ओडा ने 3 पेजेस इस फुद्दू चीज़ को ड्रॉ करने में यूज़ कर दिया. कोई ना, लूफी गाइडो के फाइट के बारे में बात करते हैं, जो कि अच्छा था इस चैप्टर में. अब लास्ट चैप्टर में याद ना कि लूफी ने एक बिजली को ही पकड़ लिया था अपने हाथों से, इस चैप्टर में लूफी ने उसी बिजली को यूज़ करके मस्त अटैक किया है गोमू गोमू नो कामिनारी गम गम लाइटनिंग, जिसको काइडो डॉच किया. और तुमने देखा एक चीज़ कि काइडो ने इसको डॉच करके लूफी को मारा और लूफी फेंका रहा था, लेकिन उसने अचानक से एक और बिजली को पकड़ लिया और घूम घूम के मस्त वो वापस काइडो से लड़ने आया. मज़ेदार सीन लगा मेरे को ये. बाय द वे, काइडो का ओपिनियन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हाकी इनफ है वर्ल्ड को रूल करने के लिए? मुझे लगता है कि लूफी काइडो के इस ओपिनियन को गलत प्रूव करेगा बाय शोइंग कि हाकी के साथ साथ अगर निका जैसा कोई फ्रूट हो तो वर्ल्ड को रूल किया जा सकता है. इधर भी तुम देख लो भाई, लूफी काइडो से मैचअप कर पा रहा है अपने फ्रूट की वजह से ना, ना कि हाकी की वजह से. एंड अपने को क्लियर एंड कट फैक्ट पता चल गया कि रॉजर पे कोई फ्रूट नहीं था, तो अब कोई भी अगर थ्योरी बनाएगा कि रॉजर पे एक फ्रूट था, नहीं, अब तुम नहीं बना सकते, शट द फक अप. काइडो को एक थंडर बागवा भी दिखा है अपने को इस चैप्टर में, जो कि भाई मस्त, मतलब ये थंडर बागवा वाले पैनल्स देख के तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है भाई, एकदम सेक्सी लगता है ये पैनल्स मेरे को. वैसे तुमने एक चीज़ नोटिस किया कि लूफी अपने फिजिकल वाउंड्स को बहुत जल्दी हील कर पा रहा है, पहले भी कर रहा था बट इस चैप्टर में हम लोग को एक और बार दिख गया वो चीज़. थंडर बागवा खाने के बाद हम देख सकते हैं कि लूफी के कुछ दांत टूट गए थे, लेकिन फिर अगले पेज में ही वी कैन सी कि लूफी के सारे दांत वापस नॉर्मल हो चुके हैं. इसके अलावा अपने को ओरोची का एक सीन दिखा है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहेगा, ठीक है? तो तुमको पता है ना कि ओरोची के टोटल 8 हेड होते हैं उसके जुआन फॉर्म में, और अभी तक ओरोची के 7 सर कट चुके हैं. एक बार काइडो ने काटा और 6 सर आकाजायस ने काटा था. हाँ, तो अभी उसका एक ही सर बचा है, क्योंकि इस चैप्टर में भी ओरोची जब जुआन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तब उसका बस एक ही सर दिखा अपने को, और ओरोची ने बोला कि ओडन में तेरी बेटी को लेके हेल जा रहा है, मतलब कि दिस इज़ द फाइनल लाइफ ऑफ ओरोची, वो इस बार पक्का मरने वाला है. वेल आई डोंट थिंक कि हियोरी उसके साथ मरेगी, अभी एक मस्त हियोरी का गर्दन काटने वाला सीन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. मतलब ओरोची दोगला शुड डाई दैट वे, पता है, हियोरी के हाथों से मरना चाहिए उसको. एंड द लास्ट सीन भाई, लूफी ने लिटरली अपने हाथ को इतना बड़ा बना दिया कि पूरा ओनिगाश्मा उसके सामने छोटा है भाई, मतलब इमेजिनेशन पावर और वॉट. एंड ये जो पंच लूफी करने वाला है, ये आर्मामेंट हाकी प्लस कॉन्करर हाकी इन्फ्यूज्ड पंच है, और लूफी को भी पता है कि ये पंच अगर ओनिगाश्मा को लगा तो ओनिगाश्मा का डूबना पक्का है. ऐसे में वैसे तो उसने मोमो के हवाले सब छोड़ दिया है, बट आई डोंट थिंक मोमो कुछ कर पाएगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मैसिव पंच से खुद को डिफेंड करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का अवेकनिंग दिखेगा? काइडो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. वैसे भी अभी ड्रैगन फॉर्म में अपने, तो अगर किसी वे में वो अवेकनिंग करके ड्रैगन फॉर्म में इस अटैक को टैंक करने की कोशिश करेगा तो आई गेस ही विल बी सक्सेसफुल, कंसिडरिंग कि ड्रैगन फॉर्म इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, और अवेकनिंग क्या पता इस फॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बना दे. आई डोंट थिंक कि इस अटैक से भी काइडो हारने वाला है, ही इज़ अ योंकू आफ्टर ऑल. आई एम एक्सपेक्टिंग हिज अवेकनिंग नाउ, लेकिन ये पंच पढ़ने से ओनिगाश्मा में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. बट जैसे मैंने बोला कि मुझे लग रहा है काइडो उसको टैंक करेगा, खुद रोकेगा देखना अवेकनिंग करके, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से ओनिगाश्मा में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा शायद, क्या पता. हो सकता है अगर इम्पैक्ट पड़े तो ओरोची का जो है सीन कि वो हियोरी को लेके डूबने वाला है, ऐसा जो बोला है उसको कुछ होगा, लाइक क्या पता ओरोची को दिक्कत हो जाएगा कुछ, ओरोची के साथ कुछ सीन हो जाएगा, ओरोची नीचे गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है. इससे स्ट्रॉ हैट्स को भी दिक्कत हो सकता है, सामुराइज और काइडो के ट्रूप्स को भी दिक्कत हो सकता है. अब अगर ये अटैक ओनिगाश्मा को हिट करता है तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे समुराइज मरेंगे, वरना लूफी हीरो कैसे बनेगा इन समुराइज के लिए. तो ऐसा भी हो सकता है कि पीयर प्रेशर में आके मोमो कुछ हरकत कर दे. नेक्स्ट वीक गोल्डन वीक है तो ब्रेक है. आई वॉन्ट टू सी काइडो का अवेकनिंग यार, बस बस भाई, बाकी कुछ मत दिखाओ, काइडो का अवेकनिंग दिखाओ बस, और कुछ नहीं देखना मेरे को. एंड दिस वॉज ऑल माई ओपिनियन ऑन दिस चैप्टर. लूफी काइडो के फाइट और ओरोची का हल्का सा कैमियो टाइप्स के अलावा मेरे को चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं, बट आई हैव टू अप्रिशिएट द पैनल्स ऑफ लूफी वर्सेस काइडो इन दिस चैप्टर, दे लुक क्रेजी. चलो मैं निकलता है अब, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो बाय बाय.